हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, शेयर मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। कभी मार्केट 5% ऊपर जाता है, फिर 10% नीचे आ जाता है। तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि भाई अभी क्या किया जाए। मार्केट से निकला जाए, इन्वेस्टेड रहा जाए या नया इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बहुत ही समरी में डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर बेनिफिट ले पाएंगे। जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी आपका डे टू डे का काम हो, हर काम को करने के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के तीन बेसिक रूल्स होते हैं, हम उनके बारे में जरा डिस्कस करेंगे। पहला रूल है, एवरी अपॉर्चुनिटी इज एसोसिएटेड विद इनहेरेंट रिस्क एंड रिवार्ड। किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका रियल एस्टेट का हो, शेयर मार्केट का हो, गोल्ड का हो, आप कोई भी एसेट क्लास ले लें जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, उसमें कुछ रिस्क भी होगा। और अगर आपने रिस्क को प्रॉपरली एनालाइज किया कि भाई कितना ये डाउन जा सकता है, कितना आप लॉस बियर कर सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी में कुछ जो रिवार्ड है, जो आपका एप्रिसिएशन छुपा हुआ है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी हो, आप उसको अच्छे से एनालाइज करें कि उसमें कितना आप रिस्क ले रहे हैं और कितना आप वहां से एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी दूसरे के बताए हुए टिप पर आप इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो आज का मार्केट हो। आज तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सिस्टम है। अगर स्टेबल भी है, तब भी आप किसी दूसरे के बताए हुए टिप पर काम ना करें, खुद थोड़ा एनालिसिस करें, जिससे कि आप उसके बारे में कंफर्टेबल हो सके। और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, आप एनालाइज कर लें कि आप इतना रिस्क ले रहे हैं और इतना एप्रिसिएशन आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, तब भी आप इन्वेस्ट करें। रूल नंबर टू, प्रोबेबिलिटी इज द मास्टर ऑफ शेयर मार्केट, देर इज नो गारंटी। मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। अभी 2 महीने पहले जनवरी में जब हमारा शेयर मार्केट पीक पर था, तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट 60,000 टच करेगा, 70,000 टच करेगा, 100,000 टच करेगा, लेकिन ये सीधा 41,000 से अब 20,000 टच करने के मूड में है। तो कोई गारंटी नहीं है, प्रॉबिलिटी है। जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप प्रोबेबिलिटी को एनालाइज करें, और उसको एनालाइज करने के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अच्छे से प्रोबेबिलिटी को एनालाइज कर लेते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। गारंटी कुछ नहीं होती है। रूल नंबर थ्री और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर यू कैन नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मुझे नहीं लगता कि आप बिलियन या ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि आप मार्केट को बिल्कुल शेकअप कर देंगे। ऐसा अनएक्सपेक्टेड है। और जब तक आप इतना मैसिव अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे। बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मार्केट में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे मार्केट से निकलने की अपॉर्चुनिटी हो। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड राइड ऑन इट। जिन लोगों ने 2 महीने पहले मार्केट से एग्जिट कर लिया, जिन्होंने सेंस किया कि ये कोरोना वायरस चाइना में हाहाकार मचा रहा है, ये इंडिया में भी मचा सकता है, ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी जा सकता है, और जो टाइम से निकल लिए, आज वो काफी खुश होंगे। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो डाउन होने से बचा लिया। और जो नहीं निकल पाए, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो आज 50% डाउन है। तो वर्स्ट थिंग आप कर सकते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दें, मिस कर दें।
इसलिए ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एसेट को प्रोटेक्ट भी करता है और ये आपके एसेट को अप्रिशिएट भी करता है। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, ऑलवेज कंसिडर अबाउट दीज थ्री लॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करें कि मार्केट में चल क्या रहा है, ये इतना ऊपर नीचे जा रहा है, मार्केट में करेक्शन है, रिसेशन है, पैनिक सेल है, क्या है ये? डेफिनेटली ये करेक्शन नहीं है। जितना वॉलेटाइल मार्केट आज है कि एक दिन में 10% गिर जा रहा है, अगले दिन 6% बढ़ जा रहे हैं, हमने पिछले 20 साल में कभी नहीं देखा। ये करेक्शन नहीं है, ये फिनेंशियल सिस्टम क्रैश है। पिछले लास्ट 20-25 साल में जो डेट बबल सेंट्रल बैंक्स ने क्रिएट किया है, हेलीकॉप्टर मनी जब छापते रहे हैं, सिस्टम में पुश करते रहे हैं, हर टाइप के एसेट क्लास की वैल्यू विदाउट फंडामेंटल्स एप्रिशिएट हुई है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो। अब ये वो बबल क्रैश होने का टाइम है, बहाना बन गया है कोरोना। अदरवाइज ये वैसे भी क्रैश होना था, लेकिन कोरोना का एक वाइडर इम्पैक्ट हो गया है, सो ये फिनेंशियल सिस्टम क्रैश अभी हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि डेट बबल बर्स्ट होगा, उसका क्या मतलब है? डेट बबल जब बर्स्ट होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी, बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करेंगी, मैसिव ले ऑफ होगा, और इन सब को मिला के एक एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी मार्केट में होगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपने पैसे को बैंक में रखें, कहीं बैंक ना डूब जाए, शेयर मार्केट में लगाए, शेयर मार्केट ऑलरेडी 50% डाउन हो चुका है, रियल एस्टेट कोई बायर नहीं है, तो आपके पास पहली तो बात उस टाइम तक पैसा नहीं रहेगा, नॉर्मली पैसा रहता नहीं है पब्लिक के पास, और अगर पैसा रहता भी है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो जो एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी का जो पीरियड होता है, वही सबसे ज्यादा बढ़िया होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब आप समझ लीजिए, नई क्रॉप कब उगाते हैं? जब आप पहले वाली क्रॉप को पूरा कट कर देते हैं, ग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ऐसे ही ग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, हर तरफ नेगेटिविटी होगी, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा होगा। अगर आप उस टाइम पर सीडिंग करेंगे, अपना सीडिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो तेजी से ग्रो होगा। वहां पर आपकी प्रॉबिलिटी ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी गिर चुका होगा। ये एक छोटा सा ग्राफ है जिसमें हमने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि कैसे मार्केट नीचे जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या स्टेज होंगी और किस टाइप की इसमें रिकवरी होगी। जैसा कि जीएफसी में हुआ 2008 के टाइम पर, इस बार ये रिकवरी वी शेप नहीं होगी, ये बाथटब टाइप होगी। अभी हम फर्स्ट स्टेज में हैं, कोरोना इम्पैक्ट, सब तरफ फियर है कोरोना का। हालांकि 98% लोग रिकवर हो जाते हैं, 2-3% इसमें डेथ रेशो है, बट इसका फियर बहुत ज़्यादा है, और फियर इतना ज़्यादा है कि कंट्रीज लॉकडाउन हो रही है। हमारे यहाँ पर भी अभी 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। इसकी नेक्स्ट स्टेज अभी आने वाली है, कुछ कंट्रीज में आ भी चुकी है, मैसिव लेऑफ्स होंगे, बिजनेस फेलियर्स होंगे, और अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनका बिजनेस तो कुछ चल नहीं रहा है। सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्टेड हैं। जो लोग फील्ड पर काम करने वाले हैं, जिन्हें डेली बाहर जाना होता था, उन सबका तो काम बंद हो गया है, तो वो सारे बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। और अभी अगले 2 या 3 वीक में नए पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज मैसिवली नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगी, तो उसमें डेट बबल बर्स्ट होगा, बैंकरप्सीज फाइल होंगी और मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच क्रंच होगा। एक फिनेंशियल सिस्टम दूसरे फिनेंशियल सिस्टम को लोन नहीं देगा, जैसा कि 2008 में हुआ था, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देते हुए हिचक रहा था, सेम चीज होगी लेकिन उससे ज्यादा बड़ी होगी। जो डेट बबल 2008 में था, उसका कई गुना अब बड़ा है, और चूंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली टू 2008, उसका इफेक्ट भी कई गुना ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें हमें
एक्सट्रीम नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी, मार्केट में नेगेटिविटी होगी, फीलिंग्स होगी कि अभी कुछ नहीं ठीक होगा, नई जॉब नहीं होगी, कैंपस में कोई नई कंपनी हायरिंग के लिए नहीं आएगी, इवन लोगों की शादियां भी टूट जाती हैं, और ये फेज इस बार काफी लंबा चलेगा, ये इमीडिएट रिकवरी नहीं होगी, कम से कम साल भर का ये फेज चलेगा, कभी 2% ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, 2% ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे बढ़िया टाइम होगा। इस टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस नहीं होगा 3 ईयर डाउन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया, वन ऑफ द लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर इज नो गारंटी, देयर इज ओनली प्रोबेबिलिटी। अब आप प्रोबेबिलिटी को कैसे आप चेक करेंगे, वो भी हम अगली आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, जो अभी कोरोना का फियर चल रहा है, बिजनेस क्लोज हो रहे हैं, इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा? अभी आप लोगों को लग रहा है कि चाइना ने अपने यहाँ पर कोरोना इफेक्ट कंट्रोल कर लिया है और वेस्ट अभी सफर कर रहा है। टेक माय वर्ड्स, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट वेस्ट को होगा। वेस्ट में पहले से ही एंटी ग्लोबलाइजेशन की एक वेव चल रही थी, क्योंकि उनके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। कोरोना एक बहाना बन जाएगा, लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, भले ही लोकल प्रोडक्शन की कॉस्ट चाइना से एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा हो, लेकिन वेस्ट की गवर्नमेंट्स इसको एक बहाने की तरह यूज करेंगी और अपने यहाँ पर लोकल कंपनीज स्टार्ट करेंगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी। तो इसका सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो चाइना के ऊपर होगा, चाइना का एक्सपोर्ट बिजनेस श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इसका इफेक्ट होगा, इमिग्रेशन विल बिकम वेरी रेस्ट्रिक्टेड। पिछले 8-10 साल से एंटी इमिग्रेशन वेव चल रही है, सिर्फ कुछ कंट्रीज को छोड़कर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन कुछ कंट्रीज को छोड़कर बाकी सब ने अपने इमिग्रेशन के लिए गेट क्लोज कर रखे हैं। आपको ध्यान होगा 2005-2006 में यूएस माइग्रेट करना कितना इजी था, H1B मिलना कितना इजी था, लेकिन 2007 से उन्होंने लॉटरी सिस्टम कर दिया। उसके बाद से कुछ ना कुछ नए रूल्स ऐसे आते जा रहे हैं कि इमिग्रेशन बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब इस कोरोना इम्पैक्ट की वजह से एक और बहाना मिल जाएगा कुछ और एक्स्ट्रा चेक्स लगाने का, तो इमिग्रेशन का जो विंडो है वो और नैरो हो जाएगा। और ये एक बहुत नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक काफी क्रिटिकल पॉइंट है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि चाइना के पास ऑलरेडी एक वैक्सीन है, उन्होंने अपने सारे लीडर्स भी बचा लिए हैं, सारे बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। आपने देखा होगा कुछ फुटेज रिलीज हुई थी कि चाइना के प्रेसिडेंट वुहान में एक सिंपल सा सर्जिकल मास्क लगाकर जो पेशेंट्स हैं उनसे मिल रहे हैं और फिर भी उनको कुछ नहीं होता, जबकि वेस्ट में आपने सुना होगा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को हो गया है, बहुत सारे लीडर्स इससे अफेक्टेड हैं। तो अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रियलिटी में बनती है, आप वेस्ट डेफिनेटली इस पर काम करेगा। अगर उन्हें इसके अंदर कुछ भी सच मिलता है तो उसके बाद एक अलग ही टाइप का वर्ल्ड बनेगा, अलग ही टाइप की दुनिया होगी, क्योंकि वेस्ट इस पर चुप नहीं बैठेगा, रिप्लाई होगा और एक बहुत भयंकर रिप्लाई होगा। ऐसा रिप्लाई होगा कि कोरोना वायरस एक छोटे पटाखे की तरह लगेगा। ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम और आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे होंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के माइंड में आजकल चल रही है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में हम क्या करें, क्या किया जाए। सबसे पहला काम आप करें कि अपने टीवी को ऑफ करें, और वहां पर जो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स का डिस्कशन होता है आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स हैं या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनके घर की दाल रोटी, उनके जितने भी लेजर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सब आपके पैसे से चलते हैं, इसलिए वो आपको कभी भी अनबायस्ड सलाह नहीं देंगे, वो वही सलाह देंगे जिससे उनका बेनिफिट होता हो।
एक बेसिक पुरानी कहावत है कि घोड़ा कभी घास से प्यार नहीं करता, वो आप लोगों के पैसे से बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे। उनकी सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है कि आपकी जेब से पैसा निकाल के उनके फंड में कैसे डलवाया जाए, तो उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान ना दें, अभी टाइम नहीं है उनकी बात पर ध्यान देने का। अपने पैसे को आप प्रोटेक्ट करें खुद, और कैसे प्रोटेक्ट करना है वो हम एक अगली स्लाइड में बताएंगे। जब मार्केट इतना वोलेटाइल होता है तो जिसके पास कैश है वही किंग है। अगर आपके पास कैश है तो आप बहुत बढ़िया शेयर बहुत कम दाम में खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास कैश नहीं है तो सिर्फ आप एक बाहर बैठे दर्शक की तरह से देख सकते हैं, खरीद कुछ नहीं सकते। तो अगर आप इस वॉलेटिलिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो अपने पास कैश रखें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेंसेक्स या निफ्टी के पॉइंट्स पर ध्यान न दें। कभी 41,000 सेंसेक्स जा रहा है, कभी 26,000 आ रहा है, इससे आप लोगों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इस पर ध्यान न दें। मैं आपको कुछ दूसरे पॉइंटर्स बताऊंगा जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करने की बजाय आप कुछ लिक्विडिटी क्रंच के सिम्टम्स पर ध्यान दें, देखें कि बिजनेसेस कितने फेल हो रहे हैं, किस किस टाइप के बिजनेस फेल हो रहे हैं, बैंक्स कितने बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने यस बैंक में काफी इश्यूज चल रहे थे, तो इन सारी चीजों पर ध्यान दें। पिछले 10 साल में सॉफ्ट बैंक मेजर एंजल इन्वेस्टर बन के उभरा है, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है और एक बबल की तरह से कंपनीज बनाई है। उनका भले ही कुछ बिजनेस कंसेप्ट नहीं है लेकिन वो बिलियंस का वैल्यूएशन उन कंपनीज का हुआ है। इनकी कुछ कंपनीज ने अभी फेल होना शुरू हो गई हैं, आगे आगे देखें, आगे आगे ध्यान दें इनकी जो कंपनीज हैं उन पर किस टाइप का इम्पैक्ट होता है। मुझे लगता है इनकी 70% कंपनीज फेल हो जाएंगी क्योंकि उनका बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर नहीं है। एक वीवर्क के नाम से कंपनी थी, काफी ज्यादा वैल्यूएशन उसका हो गया था लेकिन अभी वो लगभग बर्स्ट हो गई है। सॉफ्ट बैंक से ही सपोर्टेड थी वो, सॉफ्ट बैंक ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें किया था। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान दें, इनसे आपको ज्यादा कंफर्टेबिलिटी मिलेगी। अगर कोई बैंक बैंकरप्सी के लिए फाइल करता है या कोई कंपनी क्लोज होती है तो आप समझ लीजिए अभी मार्केट सेटल नहीं हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी के पॉइंट्स पर ध्यान देने की बजाय आप उनके कुछ इम्पोर्टेंट रेशोस पर ध्यान दें, और मैं यहाँ पर 3 ही रेशो आपसे आपको बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। आप निफ्टी का पीई रेशो देखें, पीवी रेशो देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू, और डिविडेंड यील्ड्स देखें। अगर आप ये तीनों चीजें देखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे, और ये तीनों चीजें आप निफ्टी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जो आपके पास पैसा है, एसेट्स हैं, उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करें, कहां पर आप उसको इन्वेस्ट करें। अगर आप एग्रेसिव अप्रोच लेकर चलना चाहते हैं तो अपने कैश को आप यूएसडी में कन्वर्ट कर लें। आज की डेट में आपको ये थोड़ा रिस्की लग रहा होगा क्योंकि यूएस में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हो रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कोरोना कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, ये कोई यूएस की इकोनॉमी को क्रश नहीं करने वाला है। लास्ट टाइम ऐसा डिस्कस हो रहा था कि चाइना इज गोइंग टू टेक ओवर यूएसडी एंड यूएसडी विल गो डिफॉल्ट, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, और करेंसी से कोई कोई कंट्री बनती बिगड़ती नहीं है। करेंसी सबसे लेस वैल्यूएबल एसेट है, होता है सबसे लीस्ट वैल्यूएबल होता है। किसी भी कंट्री को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कल्चर। क्या वहां पर इंटेलिजेंट लोग, टेक्निकल लोग जाकर काम करना पसंद करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, रेस्पेक्टेड फील करते हैं? आज की डेट में यूएस को इस पॉइंट पर कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। जितने भी सारी दुनिया में टेक्निकल लोग हैं, सबका ड्रीम होता है कि यूएस जाए, यूएस में काम करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनीज, किस टाइप की, कौन कौन सी कंपनीज कंट्री में है,
वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में से 6 या 7 यूएस में है, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। जब तक ये सारी कंपनीज हैं, जब तक कोई कंट्री इन कंपनीज का कंपटीटर, ग्लोबल कंपटीटर, नॉट द रीजनल कंपटीटर, ग्लोबल कंपटीटर खड़ा नहीं कर देता, तब तक यूएस को, यूएस की इकोनॉमी को कोई नहीं हिला पाएगा। और उसके बाद आता है करेंसी। सो पिरामिड में सबसे पहले कल्चर, सबसे वाइडर, उसके बाद कंपनीज और उसके बाद करेंसी। करेंसी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। करेंसी इज टू एन इंटेलिजेंट पर्सन व्हाट इज ग्रास टू ए डंकी। गधे के लिए जो घास का काम होता है, वही इंटेलिजेंट इंसान के लिए करेंसी का काम होता है। इससे ज्यादा करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपकी कंट्री में वर्क कल्चर अच्छा है, आपकी कंट्री में कंपनीज अच्छी हैं, तो करेंसी अपने आप रीजनरेट हो जाएगी। और इन तीनों पॉइंट्स पर आज की डेट में यूएस को कोई भी कंट्री चैलेंज नहीं कर पाएगी। तो आप कंफर्टेबल रहे, यूएसडी अभी है और आगे आने वाले 50 साल यूएसडी रहेगा। अगर आप यूएसडी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने जो आपके पास कैश है, उसे आप लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा और एफडी से ज्यादा लिक्विडिटी भी देगा। हाँ, थोड़ा हाँ रिस्क इसमें जरूर होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट रिस्क होता है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है या कौन से शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, ये मैं एक दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसका भी तरीका होता है। अगर आप एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप मल्टीपल बैंक्स अकाउंट में इन्वेस्ट करें और छोटी छोटी एफडी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम 5 लाख तक की एफडी इंश्योर होती है। चाहे आपकी 1 करोड़ की एफडी है, अगर बैंक बैंकरप्ट होता है, तो गवर्नमेंट आपकी सिर्फ 5 लाख तक इंश्योर करती है। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कैश रखिए। कैश रखना भी कोई बुरी बात नहीं है आज के टाइम में, जितना वॉलेटाइल सिस्टम है। जिसके पास कैश होगा, वही अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाएगा। नो वन कैन टाइम द मार्केट, लेकिन यू कैन हंट द बियर। जो मैंने आपको पहले 3 फॉर्मूलेस बताए हैं, अगर आप उनको यूज करेंगे, तो आप बियर मार्केट को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो आप इसमें बना सकते हैं, जो लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा एसेट जनरेट करेगा। जितना बड़ा डेट बबल आज बना हुआ है, उसको देखते हुए और कोरोना के इम्पैक्ट को देखते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, मुझे लगता है कम से कम 55% मार्केट डाउन जाएगा। अगर 70% भी चला जाए, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। जो मैंने 3 आपको निफ्टी रेशियोस बताए हैं, उन तीनों को मिलाकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। आप उस गोल्डन ट्रायंगल पर ध्यान दें। जब आपका गोल्डन ट्रायंगल बन जाए निफ्टी में या सेंसेक्स में, तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ये आपके ऊपर, नहीं करना है वो भी आपके ऊपर डिसीजन है। तो गोल्डन ट्रायंगल बनता है जब पीई लेस देन 12.5 होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो होता है 2.2 से कम होता है, और डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है 2.1 से ज्यादा होता है। जब ये तीनों पैरामीटर आपको मिल जाए निफ्टी में, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, तो ये जब ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई हो जाए, तब आप इन्वेस्ट करें। निफ्टी की वेबसाइट पर जाकर आप ये तीनों रेशोस बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट टू बाय?
क्या खरीदा जाए। देखिए ये वी शेप रिकवरी नहीं होगी, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि आप अरे आज कल 5% ऊपर चला गया, कहीं बॉटम ना बन गया हो और मेरे से गाड़ी ना छूट गई हो, ऐसा कुछ नहीं होना है। आपको काफी टाइम मिलेगा, ये बाथ टब शेप रिकवरी होगी। जो ये आपको हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन दिख रही है, ये काफी लंबी होगी। आपको खूब टाइम मिलेगा, कंफर्टेबली आप आराम से बैठकर सोच सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और आराम से आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा टाइम आएगा कि जेम स्टोन आपको स्टोन के प्राइस में मिलेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ बढ़िया कंपनीज को मैं कवर करूंगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को मैं कवर करूंगा। आप चाहे तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया तो आपका एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तेजी से बढ़ेगा, कई गुना हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। जैसे ही मैं अपना नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्लेमर, फ्रेंड्स जैसा आप जानते हैं कोरोना ने सभी की लाइफ में काफी उथल पुथल मचा दिया है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, जो लॉकडाउन उन्होंने किया है वो हमारे और आपके लिए बेनिफिशियल है, इससे बचाव ही उपाय है। हेल्दी खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करें, डेली देसी घी खाओ, खूब दंड लगाओ, देसी घी से आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी और दंड से आपके लंग्स फंक्शन इम्प्रूव होगा। होप आप इससे बच पाएंगे, अपने परिवार को सेफ रखेंगे। आगे भी मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।